बच्चों तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसमें दो बातें हैं, इम्पल्स है, मोमेंटम है। मोमेंटम कौन सा है? लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में तो आपने स्टडी पहले ही एज यूजुअल नाइन्थ में कर ली है और इलेवेंथ में भी कर ली है, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। लेकिन इम्पल्स क्या है, ये हमारा आज का मेन मुद्दा है, ठीक है। तो इम्पल्स को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इम्पल्सिव फोर्स के बारे में स्टडी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स किसे कहते हैं। तो देखो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, चाहे धक्का ही मारते हैं चाहे खींचते ही हैं, अगर हमारी ये फोर्स बहुत कम टाइम के लिए उस ऑब्जेक्ट पे लगती है तो उसी फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। याद रखना, जब हम इम्पल्सिव फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए लगती है, तो उतने टाइम तक उस फोर्स की वैल्यू जो है यानी मैग्नीट्यूड वो सेम नहीं रहता। उस टाइम में उसका मैग्नीट्यूड अपनी मैक्सिमम पे भी जाता है, अपनी मिनिमम यानी जीरो पे भी जाता है। इसको हम एक ग्राफ से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, इसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे फोर्स का वेरिएशन टाइम के साथ होता है। तो यहां पे हम टाइम की बात करेंगे और यहां पे बात करेंगे फोर्स की। बच्चों यही देख लो, ये हमारे पास एक बॉल है। अब बॉल पे हमने क्या लगाई, फोर्स लगाई, है ना। अब हमने कितने टाइम के लिए फोर्स लगाई, टी टाइम के लिए फोर्स लगाई, यानी हमारा टाइम जीरो से शुरू हुआ, हमारा टाइम कहां तक हुआ, टी तक हुआ। तो हमने बीच में कितना टाइम तक फोर्स लगाया, वो लगाया टी टाइम तक। तो कैसे देखते हैं ये वेरी हुआ। तो देखो बच्चों, जब टाइम जीरो था हमारा, जब टाइम हमारा जीरो था, तो उस टाइम हमने हमारी इस पे फोर्स नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है तो हमारे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, यानी इस टाइम पे जाके हमारी फोर्स जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुकी है। और इस टाइम के बाद में जब ये टाइम हो जाता है तो हमारी फोर्स जीरो हो जाती है। मतलब ये हमारा जीरो टाइम है, ये हमारा टी टाइम है। तो हमारे जीरो से लेकर टी टाइम तक इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स मैक्सिमम भी हुई और वापस जीरो भी हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। और अगर हम कोई एग्जांपल लें जिसमें इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है, तो हम बैट और बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। जब हमने बॉल पे क्या किया, बैट से हिट किया, तो फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगी, जिसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, जीरो से मैक्स भी हुआ और मैक्स से वापिस जीरो भी हुआ। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने जो फोर्स लगाई, वो फोर्स को हमने डिनोट किया फोर्स एवरेज। फोर्स एवरेज क्यों किया, क्योंकि फोर्स की एक वैल्यू तो है नहीं, कम भी है, थोड़ी ज्यादा भी है, थोड़ी ज्यादा भी है, मैक्सिमम भी है। तो उस पे कौन सी फोर्स लगी, फोर्स एवरेज लगी। कितने टाइम के लिए लगी, डी टी टाइम के लिए लगी। उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, डी पी चेंज हुआ। तो याद रखना, हमारे इस केस में ये क्या है, फोर्स है। कौन सी फोर्स है, एवरेज फोर्स है, जो एक्ट की ऑन बॉडी पे, ठीक है। डी टी क्या है इस केस में, टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल फॉर विच या ड्यूरिंग विच फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है। और डीपी क्या है, डीपी है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कंडीशन जब हुई, इतनी फोर्स लगाने से इतना मोमेंटम चेंज हुआ इतने टाइम में, तो हम यूज कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ वो क्या कहता है, वो कहता है कि फोर्स जो हम अप्लाइड करते हैं एक्सटर्नल, वो होती है इक्वल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय
टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं। इसको हम ले सकते हैं डीपी वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स एवरेज और ये आ गया हमारा डीटी। तो मान लेते हैं हमारे इस कंडीशन में कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम रहा वो मान लेते हैं हमारा टाइम जब जीरो था तो इनिशियल मोमेंटम इसका पी वन वेक्टर रहा मान लेते हैं। और अब हमारा इसका जो मोमेंटम हो चुका है वो पी टू वेक्टर हो चुका है और अब टाइम भी टी हो चुका है। तो बीच में क्या लगी हमारी फोर्स लगी बच्चों। तो हमारी फोर्स ने यानी जो हमारी फोर्स एवरेज ने क्या किया P1 से P2 मोमेंटम कर दिया कितने टाइम में जीरो से T टाइम तक यानी T टाइम में। तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे मोमेंटम का तो वो हमारा शुरू होगा P1 से लेकर P2 तक का और जब हम राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें टाइम की इंटीग्रेशन लगेगी। तो टाइम की इंटीग्रेशन क्या है हमारी हम जीरो से चल रहे हैं टी टाइम तक बच्चों। ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए हमने स्टडी कर रखा है इससे पहले ही मैथमेटिक्स के अंदर ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है हमारा एक्स होता है। तो उस कंडीशन में ये हमारे क्या बनेगा पी वेक्टर बनेगा और हमारी ये अपर लिमिट आ गई पी टू या हमारी लोअर लिमिट आ गई पी वन। ठीक है अब इस केस में हमें सिर्फ उसी को ही इंटीग्रेट करना है जो टाइम का है तो इसमें सिर्फ डी टी इंटीग्रेट होगा तो बाहर क्या जाएगा फोर्स एवरेज आएगी और इंटीग्रेशन हमारी है जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक। तो ये हमारा क्या आएगा पी टू वैक्टर माइनस पी वन वैक्टर क्योंकि हम एक बार इसमें इसको पुट करते हैं माइनस दूसरी बार इसको इसमें पुट करते हैं। ये हमने स्टडी कर रखा है जब हमने इंटीग्रेशन को स्टडी किया था। तो ये क्या आ गया हमारे पास फोर्स एवरेज और यह क्या आ गया हमारे पास टी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपर लिमिट है टी और लोअर है जीरो। लेफ्ट हैंड साइड के आगे पी टू वैक्टर माइनस पी वन वैक्टर और ये हमारे पास है फोर्स एवरेज वैक्टर। तो अपर लिमिट पुट किया हमने टी और लोअर किया हमने जीरो। ठीक है बच्चों अब यह है हमारा चेंज इन मोमेंटम जिसे हम लिख रहे हैं डेल्टा पी वेक्टर से वेक्टर गया वेक्टर आया। अब फोर्स एवरेज और ये टी। ठीक है बच्चों ये देख लो ये जो फोर्स एवरेज है और ये जो टाइम का मल्टीप्लाई है इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों इम्पल्स बोलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स का सिंबल हम लेते हैं आई वेक्टर। यानी यहां से हमारी दो बातें क्लियर हो गई कि एक तो हमारा जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है और दूसरी बात हमारी ये भी है कि अगर हमें इम्पल्स निकालना है अगर हमें फोर्स एवरेज दे रखी है और हमें वो टाइम दे रखा है जितने टाइम के लिए ये एक्ट करती है तो उनका मल्टीप्लाई कर दो हमें वापस क्या मिल जाएगा इम्पल्स मिल जाएगा। तो ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें इम्पल्स भी है और चेंज इन मोमेंटम भी है इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। बच्चों याद रखना ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है तो आपको एडिशनली बता रहा हूं जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी बच्चों वही फोर्स एवरेज की भी डायरेक्शन होगी वही इम्पल्स की भी डायरेक्शन होगी। यहां से देख लो जो फोर्स एवरेज की डायरेक्शन होगी वही को हम क्या लेंगे इम्पल्स की डायरेक्शन क्योंकि इसमें स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो रिजल्ट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो मल्टीप्लाई में वेक्टर की डायरेक्शन होगी।